ghamasan.com मैं हूँ आपके साथ दीक्षा मंत्री। पाकिस्तान की जनता में उनकी सरकार के लिए आक्रोश दिखाई दे रहा है, जिसके चलते जनता ने जमकर नारेबाजी की है। इमरान खान के विरोध में पाकिस्तान की जनता ने नारे लगाए हैं, मोदी से तू डरता है, मरियम से तू डरता है। केंद्र सरकार द्वारा धारा 370 और 35A को हटाने के बाद से ही पाकिस्तान की बौखलाहट साफ देखते बन रही है। 370 को अपनी बड़ी हार मानते हुए पाकिस्तान ने भारत से सभी व्यापारिक संबंधों को खत्म किया। वहीं पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज को भी गिरफ्तार कर दिया, जिसे पाकिस्तान की जनता में उनकी सरकार के लिए आक्रोश दिखाई दे रहा है, जिसके चलते जनता ने जमकर नारेबाजी की है कि मोदी से तू डरता है, मरियम से तू डरता है। इमरान ने भारत सरकार के फैसले के बाद संसद का संयुक्त सत्र बुलाया। हालांकि ये सत्र उन्होंने भारत के फैसले पर आगे की रणनीति तय करने के लिए बुलाया था, लेकिन अपने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए इमरान खान अपना आपा खो बैठे। वहीं पाकिस्तान सरकार विपक्ष में सबसे प्रमुख चेहरे मरियम नवाज को गिरफ्तार कर लिया। मरियम की गिरफ्तारी से वहां की जनता का गुस्सा सड़कों पर निकल आया और विरोध प्रदर्शन करते हुए इमरान के लिए नारे लगाए गए, मोदी से तू डरता है, मरियम से तू लड़ता है। वहीं पाकिस्तान की मीडिया भी इमरान को कोसने से पीछे नहीं हट रही है। वहां की मीडिया ने इसकी तुलना 1971 की हार से की है। पाकिस्तान में इसे बड़ी कूटनीतिक हार के तौर पर लिया जा रहा है। वहां की जनता भी उन्हें अब देश का सबसे कमज़ोर नेता मान रही है। पाकिस्तान सरकार भारत के फैसले से अपनी बौखलाहट को छुपा नहीं पा रहे हैं। भारत से कूटनीतिक संबंध खत्म करने के बाद समझौता एक्सप्रेस के साथ थार एक्सप्रेस और दोनों देशों के बीच चलने वाली बस सेवा को भी रद्द कर दिया गया है। इतना ही नहीं, अब वे हमें युद्ध की खोखली धमकी दे रहे हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।